वही शराब दुकानें ऐसे स्थान पर खोली जा रही हैं जहां रहवासी मंदिर और महिलाओं का खासा आना जाना। नए वित्तीय वर्ष में आबकारी सिंधी बस्ती के मुख्य रोड पर दुकान खोल दी जिसके विरोध में रहवासी लामबंद हो गए। कहा यह है कि दुकान बंद नहीं हुई तो हम यह आंदोलन करेंगे। बताया जा रहा है कि यह दुकान कांग्रेस नेता रुपिंदर कीर और से खोली गई है जिसका सिंधी समाज ने विरोध किया। साथ ही दुकान नहीं हटने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल शराब दुकान पहले एक निजी होटल के पास संचालित होती थी लेकिन अब यह सिंधी बस्ती में स्थानांतरित कर दी गई है। इसका रहवासी विरोध कर चुके हैं लेकिन दुकान यहां न खोली जाए नहीं तो हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये रातों रात ही हुआ है, हमको आज ही वजह से रात को 2 बजे पता चला है कि यहाँ शराब की दुकान खुल रही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि आजू-बाजू में परेशानी तो बहुत होगी इसके लिए। अब उसके लिए हम परेशानी इतनी बता नहीं सकते जितनी परेशानी होगी। आजू-बाजू बैठ के पीने वाले आजू-बाजू बैठ के पिएंगे, गलियों में आसपास में लेडीज है, मकान है वह पिछा फिरेंगे तो कौन पिए हुए आदमी से कौन बहस करेगा, कौन दिन भर मुकदमारी करेगा। ये साल भर हमारे लिए मुकदमारी बनी। यहाँ माता का मंदिर है और हमारा पीछे प्रेम प्रकाश मंदिर है, यहाँ पे हमारे लेडीज का आना जाना होता है और बड़ा झूलेलाल मंदिर भी है। हम लोग को बच्चों को छोड़ने भी हमारे को रोड पे आना पड़ता है पर आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगी। हमारे यहाँ रोड पे खड़े होके वो पी के कुछ बच्चों को डाल दे हाथ की तो हमको ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके अच्छा ये दारू की दुकान यहाँ पे हमको बंद करवाए। इस बात का हो रहा है कि एक ये जो एरिया है जहाँ पर अपन लोग खड़े हैं रहवासी एरिया है, उसके पश्चात यहाँ पर पास में ही माता मंदिर है, उसके जस्ट बैक साइड में स्वामी परमानंद आश्रम है और अच्छा खासा रहवासी इलाका है। हमारा एक ही निवेदन है इसको कौन सा विभाग संबंधित विभाग से एक ही निवेदन है कि हमारे रहवासी इलाके में और शुद्ध वातावरण जो है उसको अशुद्ध न किया जाए और इस दुकान को और कहीं स्थान दिखाया जाए। दारू की दुकान खुल रही है जी। हाँ तो इस वातावरण को यथावत रहने दे, यही मेरा संबंधित विभाग से निवेदन है। देखिए फिलहाल तो आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ विरोध हो रहा है, बाकी अभी किसी ने मेरे पास कोई आवेदन या कोई इस तरह की स्थिति नहीं है और लीगल रूप से दुकान सही है, नियमों के तहत ही खुली है और जो नियमानुसार आपत्ति रहित स्थल होना चाहिए उसी पर है, मेन सड़क पर है और निर्धारित दूरी पर, जहाँ जितनी दूरी किसी मंदिर रेस्टोरेंट मंदिर मस्जिद या स्कूल शैक्षणिक संस्था वगैरह से होना चाहिए।